नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? और जो कुछ भी हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना? हमने पाठ 3 तक पूरा कर लिया है और आज हम पाठ 4 जीवन की सीख, यह हम आज करेंगे। यह एक कविता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस कविता के माध्यम से कवि जो है वह हमें यह बता रहे हैं कि अगर हम में कुछ सीखने की लगन हो तो हम अपने आसपास की बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ों से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, जैसे प्रकृति की जैसे वस्तुएं हैं, सूरज, चांद, सितारे, नदी, झरने, पेड़ पौधे आदि, यह जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे हमें जीवन की सीख देते हैं। तो आज हम यह इस कविता में आगे जानेंगे। इस कविता के लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है प्रकाश मनु। उनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। अब मैं आपको यह बताने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम खुली आँखों से चारों तरफ देखें तो हम अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज़ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आगे स्वयं कविता पढ़कर जानिए, यह मैं अभी आपको बता रही हूँ। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। तो बच्चों, यह जो कविता है उसमें सूरज जो है वह आपको पता है कि सुबह में कितना जल्दी निकलता है, तो वह हमें यही सिखाता है कि हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो सूरज से हमें यह सीख मिलती है। और हवा जो है वह किस तरह से मंद मंद बहती रहती है, तो वह हमें खुशी से लय से चलना चलते रहना सिखाती है। तो बच्चों, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तो जो चांद है वह रात को निकलता है, आपको तो पता है रात को कितना अंधेरा होता है, लेकिन जो चांद की जो रोशनी होती है वह जग को उजाला देती है। तो चांद जो है वह हमें यही सिखाता है कि हमें जग में उजाला फैलाना चाहिए, यानी कि हमें इस तरह से रहना चाहिए, हमारा अपना नाम रोशन करना चाहिए और पूरे जग को नया उजाला देना चाहिए। यही सीख हमें चांद देता है। जैसे वह जग को रोशनी देता है, उजाला देता है, उसी तरह से वह भी हमें जग को नया उजाला देने का सिखाता है। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। जैसे रात को तारे झिलमिल झिलमिल करते हुए जो तारे निकल आते हैं, वे हमें टिमटिमाते हुए तारे यही सीख देते हैं कि गीत सुनाओ मस्ती वाला, यानी हमेशा खुश और मस्ती में रहना। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। तो पेड़ जो होता है वह हमें कितनी सारी चीज़ें देता है यह तो आप सभी जानते ही हैं। जो कितनी कड़ी धूप, चाहे ठंड हो चाहे बारिश का मौसम हो, कोई भी ऋतु में पेड़ खड़ा रहता है और वह कितना ही चाहे तपता हो, अगर कोई उसे चोट भी पहुंचाता हो तो भी वह सभी को फल देता है, फलों से वह झोली भर देता है। तो पेड़ जो है वह भी हमें यही सिखाता है कि सारे दिन आपका
कड़ी मेहनत करो, भले ही आपको मेहनत में तपना पड़े। अगर आपको कोई चोट भी दे तो भी आपको फलों से झोली भरनी चाहिए। जैसे कि एक पेड़ जिसे लोग चोट भी पहुंचाते हैं तो भी वह मेहनत से नहीं डरता है और वह मेहनत में पीछे नहीं उतरता है। हर मौसम का सामना करके वह खड़ा रहता है और मीठे मीठे फल देता है। बिल्कुल उसी तरह से वो भी हमें यही सिखलाता है कि सारे दिन खूब मेहनत करो और उसी का ही मीठा फल मिलता है। अगर कोई चोट भी पहुंचाने की कोशिश करे तो भी हमें हमारा मेहनत का जो रास्ता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे हमें अच्छे फल मिलते हैं और दूसरों के लिए भी हमें अच्छा ही करना है। जैसे पेड़ चोट लगने पर भी फलों से झोली भर देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें भी खूब मेहनत करनी चाहिए। नदी बताती कल कल स्वर में, बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पल झरते, सबकी करो भलाई। तो नदी जो है वह हमें, जैसे वो कल कल स्वर जब वह बहती है ना, तो बहती हुई नदी की जो आवाज़ होती है वह कल कल करती आवाज़ आती है, वह हमेशा यही सिखाती है कि बहते रहो, यानी कि आप आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। झरना कहता पल पल झरते, सबकी करो भलाई। और जो झरना है वह भी हमें यही सीख देता है कि हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने आज आपको यह कविता यहाँ पेज नंबर 31 तक मैंने आपको यहाँ समझाई है। जो भी आपको समझ में आ गई होगी, एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ कि सूरज जो है वह हमें सवेरे जल्दी उठना सिखलाता है और हवा जो है वह हमें खुशी से लय से चलते रहना सिखाती है। चांद जो है वह हमें जग को नया उजाला देना सिखाती है। उसी तरह से तारे जो है वह हमें झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाना सिखाता है। पेड़ जो है वह हमें मेहनत करना सिखाता है, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे कोई भी चोट क्यों न लगे, लेकिन हमें मेहनत से पीछे हटना नहीं चाहिए। और नदी जो है वह हमें हरदम आगे बढ़ते रहना सिखाती है और झरना जो है वह हमें सबकी भलाई करने को सिखाता है। तो यहाँ पर जो कुछ मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की कविता मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।